आगे करेंगे, अब आगे करेंगे। सीजन 2 मेरे पास है कैमरा। यार मारवाड़ी कहाँ है यार? आप वीडियो ले रहे हैं सर? हाँ है ना, तो सारे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे लेटर ऑन। और आज जो है ये हमारे डायरेक्टर है, ये हमारे कंडक्टर है, क्योंकि हमारे कंडक्टर है और हम डांस करते हैं और ये मेरा प्यारा मल्ला है। बस हाँ सर, गुड टू सी यू। आने का भी ले लो। अभी सभी आप लेफ्ट में देखिएगा, यहाँ पे यस क्या लेफ्ट में लोग सभी लोग यस वसीम सर लुक सेंटर अभी सेंटर राइट पे एक्सक्यूज मी मैम यहाँ पर ये दोनों के अपने राइट सेंटर में सेंटर, फिर अपने राइट पे, फिर सेंटर राइट, फिर अपने लेफ्ट, ओके एक मिनट सेंटर हो गया सर, एक काउंट नहीं है। सेंटर में सेंटर आर अपने राइट राइट में लो, फिर सेंटर आइएगा सेंटर, फिर अपने लेफ्ट, ओके हो गया सबका। एक बार फोटो 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 एक बार साइड हो जाए राइट से लुक सेंटर राइट लुक सेंटर ऑल सेंटर अपने लेफ्ट लेफ्ट कैमरा ये फिर सेंटर सेंटर जाइए, फिर अपने राइट ओके एक मिनट रुकी नहीं मत बोलना बोल्स का चेक करते नहीं मेरे ख्याल में सेंटर अभी अपने राइट राइट से फिर सेंटर आ जाइए फिर अपने लेफ्ट सब लोग फेस थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल तो रहा हूँ।
बहुत अच्छा लग रहा है और मैं वसीम भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा, सक्सेस पार्टी है तो सब एंजॉय कर रहे हैं और आई थिंक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरी तरफ से, मतलब बेस्ट विशेज हैं उनके लिए। और हाँ अभी इनफैक्ट अभी बाईपास रोड थी मेरी सो गया ये जहाँ रिक्रिएट किया था मैंने, और इसके बाद अभी एक्सरे रिलीज पे ही है और काफ़ी लाइनअप है तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे आप। जी नहीं 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 देखिए मैं अभी कहना आसान नहीं होगा, लेकिन अभी रोमांटिक नंबर्स आ रहे हैं तो अच्छा है जी। थैंक यू सर। You know, whenever you talk about some new talent that's coming and trying really hard to make it big in this mad city, so I just feel blessed and I feel that it's very important to encourage, and I'm glad that we have these special events. You know, you talk about Miss and Mr. Seven States, and you know, people have come from all these different states, and I've seen the show. It's a great event, and I just want to wish all the people all the best for their future, and I'm sure, you know, with this event, you know, it's definitely going to give a big boost to them, and they'll be introduced to all these you know, big production houses also. Yeah. वैसे साहब आपके लिए कितना मुश्किल आसान था सोनू सूद साहब को ऑन बोर्ड लाना? बड़ी मुश्किल से, वैसे हमें मीडिया को बड़े कम नजर आता है तो उनका प्रमोशन ना हो। नहीं मुश्किल नहीं है, यू नो मैं कहूँगा आई वॉज वेरी हैप्पी जब मुझे पता है कि वसीम भाई ने इतना बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर न्यू कमर्स को इतना अच्छा ब्रेक मिल रहा है, सो यू नो आई वाज ऑलवेज देयर फॉर हिम। और बाकी आई थिंक ऐसे ही ये इनका बड़प्पन है, मुश्किल तो मुझे इतना पड़ा कि मतलब चप्पल घिस गई हम लोगों की, काफ़ी मेहनत पड़ी लगी इन तक पहुँचने के लिए, बट जब ये हम इनसे जुड़े हैं और ये हमारे यहाँ आए तो ये समझ लीजिए फिनाले की छोटी से छोटी चीज़ को संभाला, और हम बाद में शॉक थे कि इतने बड़े सेलिब्रिटी इन छोटी छोटी चीज़ों को कैसे संभाल सकते हैं और कितना मतलब इतना कोऑपरेट किया। और जो हमारे कंटेस्टेंट थे जो मायूस हो रहे थे जो विनर तक नहीं पहुंच पाए थे, उन लोगों को भी काफ़ी बताया कि आप लोगों की अभी लाइफ यहाँ मतलब जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, अभी यहाँ से शुरू है। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू जस्ट समवन यू नो उस तरफ जाके और
आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये सही है या गलत है, द वे दे वॉक, द वे दे लिव देयर लाइफ. जितने कॉन्टेस्ट होते हैं, हर एक कॉन्टेस्ट में बड़े सारे ड्रीम्स जुड़े होते हैं. जितने कंटेस्टेंट्स होते हैं उनके ड्रीम्स, जितने उनके पेरेंट्स होते हैं, फैमिलीज होते वाले होते हैं, उनके सबके ड्रीम्स जुड़े होते हैं. एंड कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग नहीं जीत पाते, और बहुत सारे ड्रीम्स के साथ नई उम्मीदें जुड़ जाती हैं, और बहुत सारी कई बार उम्मीदें टूटती हुई हैं. सो मैं सबको ये बोलता हूँ कि ये शुरुआत है. मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं भी ऐसे कॉन्टेस्ट में गया था, फाइनल तक पहुंचा लेकिन जीत नहीं पाया. और बड़ी कई बार मायूसी भी होती है कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाए. बट व्हेन आई सी ऑल दीज कंटेस्टेंट्स, मुझे वो अपना समय याद आता है कि जब मैंने शुरुआत की थी. एंड आई ऑलवेज टेल देम कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जीतें या हारें, ज़रूरी ये है कि आप उस पायदान पर पहुँचे हैं, उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ पर आपको इतने लोग देख रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिगनिंग, और सब लोग मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ सीखेंगे ज़रूर. No, still miles to go, but yeah, I feel it's a blessing to be a part of this industry where hundreds and thousands of people land every day in Mumbai, and with lots of dreams. And if you see those dreams coming true, I think there has to be some prayers that are working for you. And I always wish all these new contestants also that my wishes are with them, my prayers are with them. Just give your best, believe in yourself, have just believe in two words, patience and perseverance. Just keep on working hard to achieve your dreams, and I'm sure, you know, there's one day that things will change. देखिए, हम छोटे घरों से बिलोंग करते हैं, और हमारे लिए एक बड़ा जो है चैलेंज ये था कि जब हम इस शो को कॉन्सेप्ट एमटीवी के साथ शेयर किया कि नया क्या है, इसमें नया ये था कि हमने छोटे शहरों के उस टैलेंट को प्लेटफॉर्म दिया जहाँ तक बड़ा प्लेटफॉर्म उनके पास नहीं जाता. हम उनके पास गए, उन शहरों से हमने बच्चों को ढूंढा, उनको लाए, और 21 दिन की जो ट्रेनिंग थी उसके बाद जब फिनाले था, तो सोनू जी का जो फाइनल बच्चों के साथ कम्युनिकेशन था वो ऐसा था कि उससे बच्चे इंकरेज हुए, और आज जो बच्चे नहीं जीत पाए वो भी पूरे एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं. Tell me when we are done. Are we done? Chalo done. चलो गाइस डन, चलो चलो Can someone please remove the table? कोई टेबल निकाल सकता है प्लीज? आजा ना, खुद ही पकड़ लेते ना, आजा. क्या बात है, क्या बात है, बहुत हार्ड बहुत हार्ड. शाहनवाज भाई स्टेज पर आजा. शाहनवाज आलम, महेंद्र तिवारी और शिखा जी आ रहे हैं. शाहनवाज आलम अरे कृष्ण भाई, अरे
As you all know, today is the success party of our show, Mr. and Miss Seventh Stage. This show was being telecast from 28th of October 2019, which was telecasted on air at 11 p.m. on MTV and at 12:30 a.m. on MTV Beats. Telling you all about this show. This show was very exciting, fun, grooming, and there were a lot of things happening in this show. This show is a model hunt and a very unique model hunt. मतलब मैं इस शो के बारे में एक छोटी सी शायरी में बोलना चाहूँगी अगर आप सब लोगों की इजाजत हो तो कहते हैं नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, बस दिशाओं को बदलो और किनारे बदल जाएंगे। ये ऐसा शो था सबसे यूनिक, मतलब काफी सारे एमटीवी के शोज हुए हैं, मैं खुद एक एमटीवी के शो की कंटेस्टेंट रह चुकी हूँ, अगर आप सब लोगों को पता हो स्प्लिट्स विला वेरी फेमस शो एंड पर मुझे ये शो के बारे में सबसे अजीब नहीं बोल सकती, सबसे यूनिक और सबसे खासियत बात ये लगी कि इस शो में 42 कंटेस्टेंट्स थे और अलग अलग इंडिया के देश, अलग अलग इंडिया के प्रांत, अलग अलग इंडिया के सिटीज से थे और स्पेशली स्मॉल सिटीज से, मतलब जो स्मॉल सिटीज के टैलेंट है वहाँ के उमदा उमदा कलाकार अपने अपने टैलेंट को और अपने अपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करने इस चैलेंज हंट, इस मॉडल हंट शो में आए थे और ये ऐसा इकलौता रियलिटी शो है जिस रियलिटी शो में ना केवल सिर्फ टास्क था, अलग अलग इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज ने, बॉलीवुड स्टार्स ने ट्रेन किया था। एंड आई मीन मैं इस शो के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। ये शो प्रोड्यूस किया हुआ है कुरेशी प्रोडक्शन हाउस प्राइवेट लिमिटेड से एंड फाइव फेस प्राइवेट लिमिटेड, फाइव फेस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज अनिल उपाध्याय सर, रवि प्रियांशु, अभिषेक खेड़ा, विनायक शर्मा एंड श्वेता चौधरी, शी इज नॉट प्रेजेंट हियर। I would like Sonu sir to address everyone. As you have said that the show had beautiful conditions, sab winner hai show ke. Par aapka experience kaisa raha aur show ke bare mein mere se zyada aap acche se bata pao. Hi, good evening everyone. First of all, thank you so much for sparing time to be a part of this very very special evening. Especially isliye kahunga kyunki aksar hum log films ki प्रमोशंस करते हैं, आप लोग को बड़े बड़े स्टार्स मिलते हैं।